प्रजानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तीन भुवन में सा जला रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है,
ख्याति उजाला क्यों? क्योंकि इसका कारण यह कि यदि शरीर को जलाने से हम यदि गुरु का निर्णय करेंगे तो शरीर के कठिन से कठिन तप तो अन्य मतावलंबी परम हम शादी भी करते हैं, फिर उनकी भी पूजा होनी चाहिए। जिन लक्षणों से तुम गुरु मान रहे हो लक्षण तो उनमें ही पाए जाते हैं, तो अति व्याप्ति दोष आया क्या? तुम कह रहे हो कि एक समय भोजन है वो गुण है वो लक्षण है, तो वे भी एक समय कर रहे हैं। तुम कह रहे हो नीरस भोजन करते हैं, वो तो मसाला पानी में निकाल के फिर भोजन कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे, पंचाग्नि तप रहे, उपवास कर रहे, अनेक दिनों के उपवास कर रहे, फिर उनमें क्या दिक्कत है? ये तो कुल अपेक्षा से ही माना तुमने कि हमारे है इसलिए ये गुरु है। वो कह रहे हैं कि तुमने गुणों के आधार पर काम गुरु स्वीकार किया, तो गुण कौन से हैं? तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य और गुण है। अथवा बहिरंग में देखे तो परिग्रह नहीं हो, आलम्ब नहीं करे, आलम परिग्रह से रहित हो, आलम परिग्रह से रहित में बहुत चीज आ जाती है। आलम्ब परिग्रह मैंने वो 9 कोटि से त्यागी होता है, आरंभ कराने आरंभ नहीं करता स्वयं भी, न आरंभ कराता है न आरंभ करने की अनुमोदना रखता है। इतने मंदिर 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 किसी की अनुमोदना नहीं हो सकती उसके द्वारा, क्या? क्योंकि ये काम गृहस्थ का है, ये अपन फिर क्या करेंगे, ये सारा काम वही कर लेंगे, क्योंकि उसमें हिंसा है मंदिर बनने में, मंदिर में वस्तिका में धर्मशा कोई भी बनाने में कंस्ट्रक्शन में तो हिंसा ही हिंसा, पानी अंचना यूज होता है, पत्थर यूज होते हैं। प्रतिमा को विराजमान करते तो उन्हें तो लगता है ये काम ही नहीं, उनके ऐसा गलत फहमियाँ है ये सब। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वो विधान वो क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा वो कराते, क्योंकि उनका उसमें कोई काम ही नहीं। जो गृहस्थों का काम है वो अपन ने उनका काम मान रखा है, और जो उनके काम है अपन जानते ही, वो यदि ये प्रतिष्ठा विधि और ये सब कराएंगे तो वो ये शास्त्र की रचना कब करेंगे, साहित्य कब लिखेंगे, तत्व ज्ञान कब देंगे, धर्मोपदेश कब देंगे, ज्ञान ध्यान कब कब करेंगे? उनके तो गृहस्थ के कार्यक्रम में उनका नहीं आना ही काम है। 99% लोग ये मानता है कि वो सूर्य मंत्र देने का उनका काम है, जबकि मेरे पास प्रमाण है सूर्य मंत्र का काम उनका नहीं है, वो गृहस्थाचार्य जो पंडित होता है उसका काम है। मान्यता है जो चलती चलती उड़ पड़ी है, छोड़ पड़ी भाई, ये काम तो गृहस्थों के। देखो मंदिर का निर्माण कराना, प्रतिष्ठा कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, प्रतिमा विराजमान कराना, ये सब सावध कार्य है, ये निर्वध कार्य नहीं। निर्वध माने जिसमें कोई हिंसा नहीं है, जिसमें कोई किसी से कोई संपर्क नहीं है, किसी गृहस्थ से किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कार्य नहीं है। ऐसे कार्य तो ये कि एकांत में बैठ के स्वयं का ध्यान करे, कुछ अध्ययन करे, अथवा स्वयं जिनवाणी की रचना करे, लिखे, क्योंकि उनके द्वारा जो काम हो सकता है वो काम गृहस्थ के द्वारा नहीं हो सकता, ये सब काम गृहस्थ ही कर सकता। जो काम अपन भी कर सकते हैं वो काम उनका नहीं है, और जो अपन कर ही नहीं सकते वो उनका काम। क्या? क्योंकि ये शास्त्रों का अध्ययन करना कराना, शास्त्रों की रचना करना, ये सब मुख्य रूप से उनके काम है। ये तो क्या है, अपन तो पढ़ रहे हैं वास्तव में, लेकिन जो रचना वचना निर्माण करना शास्त्रों का सब काम होता है, मूल काम होता है। इन सब ने अपने अपने काम छोड़, अपना काम उन्होंने ले लिया तो उनका काम उन्होंने ले लिया, क्या सावध्य काम तुम करो तो निर्वध्य काम हम कर लेते, क्योंकि ये सब टेंशन वाले काम है, ये कंस्ट्रक्शन की लाइन के काम, मैनेजमेंट का काम, कमेटी का काम, ये सब महासंकलेश के काम। सबसे अच्छा निर्दोष यदि कोई काम है तो वो एकांत में स्वाध्याय करना, और कोई आए पढ़ने वाला तो उसको पढ़ा देना बस, ये बहुत निराकुलता का काम। और जा अपन यदि यहाँ मैनेजमेंट में घुस जा
यहीं पड़ जाती चौकी रोज, यहाँ यहाँ से अलग हटती तो आप बोलता ये संकल्प विकल्प जो जहाँ है सब ठीक है, अपन तो यहाँ आए अपन पढ़ लो बस इतना काम है। ये सब काम का जिम्मेदारी गृहस्थ होगी, गृहस्थ जाने उनका काम जाने। हम तो इतने ही हैं कि जो मोक्ष मार्ग की शिक्षा लेने आया है कोई धर्म का लोभिया हो तो उसको धर्म का उपदेश दे सकते हैं, वो भी धर्म का लोभिया हो तो उसको बुला बुलू की कोई ऐसी कोई जरूरत क्या। तो ये चीज ही अलग है, मार्ग ही अलग है, और ये मार्ग नहीं समझते अपन, अपने जैसा समझते तो अपन जैसा समझते, अपन भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, और लोग तो इतना तक विचार करते हैं अपने को भी गर्मी लग रही है, उनको भी गर्मी लग रही है तो एसी की व्यवस्था कर दे, पंखों की व्यवस्था कर दे, कूलर की व्यवस्था कर दे, तो क्या अंतर रहा है। हमने उनको जैसा अपना बना लिया, उनको भी अपने जैसा बना लिया, वो अंतर है कि नहीं। कुछ विषय आशा वशाती तो उनको विषयों की आशा नहीं है, तो अपने जैसा हमको देख रहा। ये चीज इस प्रपंच में ही नहीं है, वो सारे जगत के प्रपंच को छोड़ चुके हैं, उसको तिलांजलि लात मार के आए और वापस से उसी को अंदर जाए तो वो तो ऐसा है कि कोई अपनी उल्टी करे और उसी उल्टी को फिर खाए। इसमें लिखा है शिव शास्त्र, मेरे को पढ़ो क्या, कि कोई व्यक्ति जैसे उल्टी करता परिग्रह धारण करना ऐसा है। देखो सब इसको एक बार पढ़ना है, पर नहीं हो तो यही पढ़ेंगे। तो इसलिए ये सब पेज नंबर 283 मिला, 183 पे 218 नंबर का दुआ क्या है देखो। ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब अपने को भी बनना है तो अपने में दोष ना हो इसके लिए, बाकी कौन क्या करता है इससे। अपने अपन जब बने तो अपन निर्दोष बने। देखो क्या है, हे जीव मिला 218 नंबर का दोहा, उसका अर्थ हे जीव जो मुनि जिन लिंग धारण करके, जिन लिंग माने भगवान जिनेंद्र का रूप, लिंग लिंग माने चिन्ह, तो जिनेंद्र भगवान का रूप है वो, साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसे थे वैसा रूप है वो, जिनेंद्र भगवान के जैसी चीजें बिल्कुल वो, जिनेंद्र भगवान बात कर रहे होंगे क्या उस समय। हाँ जो आप पूरी मतलब वहां से वो करना क्या, और इससे कोई काल वहां से कोई लेना देना नहीं इसका। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु की परिभाषा, पंच परमेष्ठी की परिभाषा अपन ने अभी मतलब जो जिनवाणी में दी वो पढ़ी है, और वो सारी जिनवाणी की रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुई जब पंचम काल प्रारंभ हो चुका था। कोई भी जिनवाणी की रचना चौथे काल में नहीं हुई, एक शास्त्र भी चौथे काल में नहीं लिखा गया। यहाँ तो क्षयोक्षम था, लोगों को याद करता सब, लोग इतनी बुद्धि रहती थी कि जो एक बार बोला बस याद हो गया। जब लिखना चालू हुआ तब तक तो बहुत बुद्धि क्षीण हो चुकी थी क्या, तो वो तो तब लिखे गए, और तब लिखे गए उनको ये मालूम था आगे क्या और होने वाला है, तो वही लिख देते ना नहीं तो ये है ये है ये है ये। हे जीव जो जिनलिंग धारण करके, जिनेंद्र भगवान का लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते, इष्ट माने जो अच्छा लगता है जो प्रिय लगता है, वे छर्दी माने उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है इत्यादि वहां के। जो चीज छोड़ी उसको पुनः ग्रहण किया क्या, वो निंद है, निंद क्या चीज, निंद है परिग्रह, निंद है परिग्रह। ऐसी बीमारी है कि संसार में किसी जीव को नहीं छोड़ती, ए ए सुई की नोक जितनी भी परिग्रह है तो उसका विकल्प करेगा। देखो इसकी एक कहानी आती है अन्य मतावलंबियों में कि एक बाबा जी थे, तो वो बाबा जी को एक आदमी आया और उस आदमी को बहुत उनके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई, तो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि महाराज मैं आपको कुछ देना, बाबा जी थे ना उनको, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा देखो हम कुछ भी नहीं रखते, अपने पास हमने सब छोड़ दिया है, घर बार सब छोड़ दिया है और बिल्कुल निवृत्त हो गए। नहीं नहीं मैं तो आपको कुछ ना कुछ तो देना, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, पीछे पड़ गया। नहीं मैं तो मेरी मेरी भावना है, आपको कुछ तो लेनी पड़ेगा, मैं आपको ऐसी चीज नहीं देऊंगा जिससे आपकी आराधना ध्यान ध्यान आराधना में विघ्न पड़े। मैं तो आपको एक पैसा दे रहा हूँ, एक पैसा आप ऐसे ही रख लो और जो भी कोई जरूरत वाला दिखे उसको दे देना, मैं आप आपके लिए यूज, आप अपने लिए भी इसको उपयोग मत करना, आप तो किसी जरूरतमंद आदमी को दे देना जो आपको सबसे ज्यादा जरूरतमंद लगे कि वो जरूरतमंद है, तो आप उसको एक पैसा दे देना। मैं तो ये आपके पास रख के जा रहा हूँ, मैं ये भी वापस ले आऊंगा। इसमें क्या है, एक पैसा जबरदस्ती में पटक के चला। अब वो ये चिंता कि ये जरूरतमंद आदमी कौन है जिसको दिया जाए, क्योंकि अब इसकी इसको किसी ने किसी को देवे ना, और उन्होंने किसको देने की कही है, जो बहुत जरूरतमंद लगे, सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी को देना। और हर आदमी से पूछे कि तुम्हारी जरूरतें क्या क्या है, कि मेरी जरूरत तो पूरी हो जाती है अपने आप, मेरी दो रोटी की जरूरत है मेरी और एक मकान की है, और जो है मेरे पुण्य के उदय से मेरे को सब मिला हुआ है, मेरी जरूरतें तो पूरी हो जाती है। हर आदमी से पूछे दिखे तो किसी की कोई जरूरत ही नहीं दिखे किसी की। अब वो रोज रात दिन चिंता में कि इसका करें क्या। एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी राजा की सेना वहां से निकल रही थी, तो बहुत धूल निकली वहां से, तो उन्होंने एक आदमी से पूछा सैनिक से कि भाई ये कौन जा रहा है, तो बोले ये राजा जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है, तो कौन है ये, इसका बहुत बड़ा राज्य है और उसके बाद भी ये जो है पड़ोसी राजा पे आक्रमण करने जा रहा है, और इसकी जरूरतें बहुत है, ये बहुत जरूरतमंद राजा है। तो उन्होंने कहा चलो आज अपनी चिंता दूर हो गई, एक बहुत जरूरतमंद आदमी मिल गया आपने। तो उन्होंने जैसे ही उसकी सवारी निकली तो वो उसको देने जाए, तो वो देने का जाएगा तो वो तो ऊपर बैठा हाथी पे, तो उन्होंने वो एक का सिक्का उसके ऊपर फेंका, राजा के पास चले जाए। अब क्या हुआ कि राजा के पास तक तो नहीं गए, मतलब उनके वहां गिरा तो नहीं होगा, उनकी नाक पे लगा, राजा की नाक पे एक का सिक्का लगा। राजा को गुस्सा है, कौन क्या कर रहा है, तो देखा उन्होंने कि इसने सिक्का फेंका है, उन्होंने कहा इसको बंदी बनाओ, अगले दिन दरबार में पेश करना है। रात भर चला अंदर जेल हो गई उसका, वो जेल हो गई, और वो जेल होने में सुबह सुबह बुलाया उसको, क्यों कुछ समझ में आई कि नहीं आई, रात भर वो टेंशन बीती होगी, वो चिंता बीती होगी। यार मेरी तो जो चिंता बीती से बीती है, लेकिन मैं रात भर ये चिंता में सोचता रहा कि जब एक पैसे ने मेरे को जेल पहुंचा दिया है तो आपकी क्या दशा होती होगी। मैंने एक पैसे की वो भी व्यवस्था करने के चक्कर में मैं यहाँ आ गया क्या, तो जिसकी आपकी जो इतनी आवश्यकता है तो आपका क्या बताओ। मैं तो रात भर आपकी चिंता करता रहा, मेरी क्या चिंता करूंगी, ऐसी चीज है ये तो। एक रुपया भी आ जाता है ना अपने पास तो वो चिंता लेके आता है, अब कहाँ लगाना है इसको, क्या खर्च करना, अपने घर में पड़ा रहे 10-20 दिन तो अपने आप को कहा जाता है कहाँ लगाए इसको, कौन से ब्याज से लगाए, भट्टे से लगाए, कि खर्च इन्वेस्ट करें क्या करें, ब्याज नहीं आ रहा है इसका, मतलब वो चिंताएं लेके आया है, कोई निश्चिंता लेके नहीं आया, तो इसलिए उस चिंता को तो छोड़ दिया। जिस चिंता को छोड़ दिया, चिंता का कारण जान के छोड़ दिया, फिर उसी चिंता को पुनः कैसे करेगा, ये बात है। उसको पढ़ना पूरा क्या करना है, बोलो पढ़ा अपने से पढ़ देते ज्यादा इसे खुलासा करेंगे, निकालो गए ये तो पढ़ लिया ना तुमने ये लाइन तो, अर्थात निंदनी इत्यादि वहां कहते। देखो शुरू से पढ़ते हैं अपने 175 पेज से देखो कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। इसको पढ़ते समय सावधानी रखना भैया, अपन अपने लिए पढ़ना ही है, व्यर्थ समय अपने को किसी के प्रति कषाय अपन हो अपने को पाप लगेगा उसका। अपन तो अपने को क्या करना है इसके लिए, हाँ हम जब बने तो हम कैसे बने उसके लिए। देखो आगे कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं, किसके श्रद्धान का, गुरु के श्रद्धान क्यों निषेध कर रहे हैं,
क्योंकि उसके श्रद्धांत से क्या होता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन से क्या होता है, अग्रहित मिथ्या तो पुष्ट होता है, अग्रहित मिथ्या से क्या होता है, चारों गतियों में घूमता है, दुख भोगता है, जो पहले गति पहली ढाल के अपने दुख पड़े उसे भोगता है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत के वश होकर जीव चारों गतियों के अंदर जन्म मरण के दुख भोग रहा। तो इसलिए इसको अपने को जानना जरूरी है। इसके श्रद्धा से ग्रहित मिथ्यात नहीं होता और ग्रहित मिथ्या से अग्रहित मिथ्यात पुष्ट नहीं होता, क्या जरूरत थी अपने को, इसके श्रद्धा से ग्रहित मिथ्यात पुष्ट होता है, ग्रहित मिथ्या से अग्रहित पुष्ट होता है, अग्रहित मिथ्या से चार गति में घूमना होता है। इसलिए कहा इसका यहाँ तक इसका तो इतना तक कहा, देखो इसमें आप आखिरी में पढ़ो, इसमें ये सब वर्णन करने के बाद में क्या लिखा है देखो, पेज नंबर 192 निकालो, 192 और 192 में पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, 192 192 जिन धर्म में यह तो आमनाएं हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, 192 मिला ऊपर ही ऊपर सबसे, जिन धर्म में यह तो आमनाएं हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला किसी को, नहीं मिला, 91 पे होगा, 91 या 92 पे है भैया, फिर पढ़ता हूँ मैं वापस, नहीं मिला, इनका क्या नाम है, अरियन, चलो ये मिल गया, चलो जिन धर्म में यह तो आमना है मिला कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाए, यह आमना है जिन धर्म, पहले क्या छुड़ाते हैं बड़ा पाप, फिर क्या छुड़ाते हैं छोटा पाप, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाए, किसको पहले छुड़ाया, कौन से मिथ्यात्व की चर्चा होगी, आप ग्रही जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुदेव कुगुरु और कुधर्म के श्रद्धांत से पुष्ट होता है, माने कुदेव कुगुरु कुधर्म का मानना वो सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कह रहे हैं, यहाँ क्यों कह रहे हैं सप्त व्यसन से बड़ा पाप, क्योंकि उससे सातों व्यसन होते हैं, सातों व्यसन आ जाते हैं, भांग भी पिएगा, सब बताया था मैंने, भांग पीना, परिश्य सेवन करना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके देव गुरु धर्म, उसका देव उसके धर्म में लिखा है, उसके गुरु कर रहे हैं, उसके देव ऐसे ही है, इसलिए इसको सप्त व्यसन है, ये सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है, इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, पाप के फल से इसका फल क्या आएगा, माने जो पाप बंध के फल से पाप का जब उदय आएगा तब क्या होगा, मेरा पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डूबना चाहते हैं, वे जीव क्या करो, इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो, निंदा और प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है, क्या कोई निंदा करता हो निंदा करो, स्तुति करता है स्तुति करो, लक्ष्मी आओ जाता जाओ, तथा अभिमरण हो और युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एकदम भी चलित नहीं होते, ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा अधिक के भय से लोग क्या कहेंगे, लोभाधिक से धन का लाभ नहीं होगा, मतलब अपना कुछ किसी से कोई व्यापार व्यवसाय नहीं हो, अन्याय रूप मिथ्या प्रवृत्ति करना युक्त नहीं, इसको अन्याय कह रहे, न्याय नहीं, अहो
देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इनमें शिथिलता चलता है चलता है चलता है, कि इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म कैसे होगा भैया? वो दुनिया में चल सकता है, यहाँ कैसे चलेगा? इसलिए शिथिलता मतलब ढील, चलेगा ये चलेगा ये चलेगा चलेगा, एक रस्सी कस दी कसावट और शिथिल हो गई रस्सी, रस्सी शिथिल हो गई मतलब ढीली हो गई। तो कह रहे इनमें शिथिलता रखने से मतलब इनमें ढीला बना होने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसलिए भोग कहने से क्या सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेव आदि का त्याग न करने से क्या होता है? कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग न करने से मिथ्या बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। मतलब टोटल मल जी कहेंगे यहाँ पे इनकी प्रवृत्ति विशेष उस जमाने में, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है, इनकी प्रवृत्ति है इसलिए निरूपण किया है, इनकी होती नहीं प्रवृत्ति तो इनका निरूपण निषेध रूप निरूपण भी नहीं करता। उसे जानकर मिथ्यात भाव छोड़कर अपना कल्याण कर, जो मैंने अपने आत्मा को पाप के, जो अपनी आत्मा को संसार समुद्र में नहीं डुबोना चाहते, दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते, पाप के फल से डरते हैं, तो ये इस पाप का फल क्या होगा? इस पाप के फल में नरक निगोद जाएंगे, मैंने अनंत संसार उस पाप के फल, पाप का जब उदय आता है ना, उदय आता है तो दुख मिलता है, तो उस पाप के उदय स्वरूप होने वाले दुख से जो डरता है उसके लिए बात है, जो नहीं डरता उसके लिए भी बात है। क्या देखो इधर और दिया है आखिरी में 191 पे, सो है भव्यो, जो अपन ने पढ़ना चालू किया था उसके पहले, सो है भव्यो किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेव आदि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महान दुख सहना होता हो, ऐसा मिथ्या भाव करना योग्य नहीं। किंचित मात्र लोभ हो जाए, थोड़ा भय हो, क्योंकि भय होता है ना, जैसे कोई किसी की मान्यता है फलाने की, मेरे यहाँ तो ये पूजाती है, देवी पूजाती है, कुछ भी हो तो वो भय रहता, बंद कर देंगे तो कुछ कर देगी, वो उसके चक्कर में वो मिथ्यात्व का सेवन भी हो रहा हो तो चल दो कोई दिक्कत नहीं, क्यों अपना क्या हो जाएगा, नहीं तो बिगाड़ कर देगी। तो वो कहते हैं कि ये भय आदि से कुदेव आदि का सेवन किया, लेकिन उससे क्या होगा, वर्तमान में भी पाप बंद होगा, उसका फल भी वर्तमान में दुख रूप आएगा और अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, इसलिए ऐसा मिथ्या भाव करना ही योग्य। कोई भी गलती हो रही अपने अपने सबके कुलों के अंदर पद्धति रहती, किसी के कुल में क्या है, किसी कुल में क्या है, सबके कुलों की आजकल कुल देवी हाँ, किसी कौन सी अपने तो एक ही है वास्तव में, पंच परमेष्टि के अलावा कोई देवी नहीं, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसा, इसके अलावा ना कोई देवी है ना दहाड़ा है कुछ है। क्या ये जो मानते हैं ये सब उनके लिए ये सब लिखा हुआ है अध्याय। अब आओ अपन पीछे वापिस से, मतलब ये सब मिला गुरु का निरूपण उसके श्रद्धा का निषेध, पेज नंबर 175 पे आ गए वापिस, इसको थोड़ा घर पे भी पढ़ के आना। आगे कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं, किसके श्रद्धान का, कुगुरु के। कौन देख जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, किस रूप, विषय कषाय रूप, विषय माने पांच इंद्रिय के भोग रूप, पांच इंद्रिय के, उन्हें खाने को चाहिए अच्छा, देखने को भी चाहिए, सुनने को चाहिए, सूंघने को चाहिए, स्पर्श अच्छा हो, गर्मी में सर्दी हो, खाने को अच्छी चीज हो, देखने की बढ़िया चीजें हो, ये विषय है। और कषाय आदि तो कषाय माने क्रोध मान माया बोध तीव्रता हो, तो विषय कषाय आदि दोनों अधर्म है, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी और वो विषय कषाय रूप परिणाम ना। तो जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और माना अधिक से अपने को धर्मात्मा मानते, बहुत बड़ा धर्मात्मा, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं,
आशीर्वाद देते हैं। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके, कोई धर्म का कोई अंग धारण करके, एक पैर पे खड़े हो गए, मौन रख लिया, उपवास कर लिया और बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, और कहलाते नहीं, बड़े धर्मात्मा योग क्रिया कराते हैं, वो क्रिया नहीं कराए तो कोई दिक्कत तो ही नहीं। जैसे वंदन नमस्कार नहीं कराए तो कुछ भी करे वो अपने आप में करे, वो धर्मात्मा के योग, बड़े धर्मात्मा के योग क्रिया कराए, और है क्या विषय कषाय रूप वर्णन रहा है। मतलब एक धर्म का उदाहरण कर, कोई भी एक, कोई भी एक धर्म के तो अनेक अंग है, जैसे पांच पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो कोई एक पाप छोड़ दिया, समझ लो किसी ने परिग्रह छोड़ दिया, किसी ने कुशील छोड़ दिया, किसी ने हिंसा छोड़ी, और बाकी पाप है। जैसे स्त्री छोड़ी लेकिन परिग्रह धारण कर लिया, परिग्रह छोड़ा स्त्री धारण कर लिया, तो कह रहे एक अंग करा दूसरा अंग नहीं पाला। कहते एक कपड़ा तो बहुत अच्छा है सूट, और नीचे टाट की चद्दर, ऐसा व्यक्ति यदि किसी विवाह के कार्यक्रम में चले जाए, टाट नीचे और ऊपर सूट अच्छा बढ़िया, 3,000 का सूट है, नाम दिख रहा है अच्छा है, तो लोग हंसेंगे ही ना उस पर, क्या करेंगे। ऐसे कोई तो धर्म का इतना ऊंचा पालता है और कोई एकदम हीन क्रिया करता है, तो एक अंग ऊंचा पालन करता है तो वो कहते हैं, और एक अंग ऊंचा करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। देखो जीवों को क्या है कि मान कषाई की इतनी अभिलाषा है अपने को बड़ा मनवाने की, कि वो कहीं भी इस चीज को नहीं छोड़ता, क्या चाहे धन से अपने को मनवाएगा, धन से नहीं मनवाएगा तो धर्म से मनवाएगा, किसी न किसी निमित्त से बस मेरे को बड़ा माने लो। हे वो छोटा अभी मिथ्यात्व नहीं गया है, और लेकिन अंदर में अभिलाषा ऐसी है कि उसका भगवान जैसा आदर हो, वो तो उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो अपना नाम ही रख ले भगवान, रख भी लिया किसी भगवान रंजेश, तो करे क्या, ये इसी के चक्कर में तो सब चक्कर है। दुनिया में लोक में इतना काम करो, कितना मेहनत करनी पड़ती, तब कोई जरा क्रेडिट देता है और इसमें फटाक से क्रेडिट मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार धर्म का आश्रय करके, मैंने धर्म का आधार बनाकर अपने को बड़ा मनवाते हैं। तो ये सब कुगुरु जानना क्यों क्यों है, देखो क्यों है धर्म, क्यों, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे, जितने जितने जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है, जितना भी किया है ना। अब कोई प्रतिमाधारी है, उसकी उसकी विनय हो मुनि जैसी और उसको पसंद है, ठीक है। चातुर्मास किसके होते हैं, चातुर्मास मुनिराज के होते हैं, चातुर्मास चातुर्मास की निष्ठापन किसकी होती, कलश मुनिराज की होती, समझ लो पंडित जी भी कराने लग जाएंगे चातुर्मास, तो वो उस पद के योग्य नहीं है ना। तो हे निचली पद और काम चाह रहे ऊंचा, क्या भाई ये जितनी भी विधि है ये सब उस पद के योग्य, ऊपर के पद के योग्य, नीचे के पद के योग्य नहीं है वो, और वो करे चातुर्मास में नहीं जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए उसको कलश थोड़ी रखवाना है, और चातुर्मास की उसकी कोई निष्ठापना थोड़ी नहीं होगी इसकी, क्या। लेकिन इसको क्या करे, इसको तो अंदर में ऐसी अभिलाषा है फटाफट फटाफट बोलने की, फिर देखिए कि इस पद में वो काम नहीं हो रहा है तो अपन आगे जाओ, जिस पद में होएगा वो पद धारण करो, तो इसलिए करें ये तो उल्टा मूल में ही उल्टा है। धर्म पद्धति विषय कषाय को घटाने के लिए थी, और इसने धर्म पद्धति में क्यों अंगीकार की, क्योंकि उससे उसको विषय कषाय मिलते बढ़ते पुष्टि होती उसको, क्या दिए चातुर्मास में कलश स्थापित ये सही नहीं। अरे तुमने तो ब्रह्मचारी किया था, तो कोई करे ब्रह्मचारी तो प्रतिमाधारी भी करेगी, क्योंकि आठ वो तो छुल्ला के अलग होता ना, उसके पहले तक तो वो
वो उसका चातुर्मास नहीं होता, उसके पहले था चुल्ला के लगता हो सकता है, निराज हो सकता है, क्योंकि उनके सब जो है जितने भी जाने आने की चीजें हैं उन सबका उन्होंने त्याग किया है। इसके त्याग ही का हुआ है जो ये चातुर्मास करे, वो करना भी हो तो ये देशरथ ले ले कि मैं इस चार महीने में इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, उसकी पब्लिसिटी क्यों चाहिए, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैंने ये कोई एडवर्टाइजिंग की चीज नहीं है, ये तो अपने सहज एक धर्म की क्रिया है। चार महीने बरसात है कहीं जाए नहीं आए कहीं स्थान रहे, तो इसलिए वो कहते हैं धर्म पद्धति में तो दोनों चीजें छूटने पर विषय भी छूटे और कषाय भी छूटे। पांच इंद्रिय के विषय भोग और क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय, और जैसे धर्म को धारण करे जितना अपने से बने जितनी अपनी कषाय घटी हो वैसा ही अपना पद मानना योग्य है उसका। मैंने अपने जेब में यदि 10 पैसे हो और अपन उससे 1 रुपए का माल खरीदने जाएंगे तो जगत के अंदर अपने को लोग मूर्खी कहेंगे, 10 पैसे के माल से 10 पैसे का माल आ सकता है ले लो। तो अपने परिणाम देखो, तुम्हें परिणाम कितने हैं, क्या तुम्हें परिणाम में विषय कषाय का राग कितना घटा है, परिणामों की सामर्थ्य कम है, विषय कषाय का राग नहीं घटा है, तो तुम माल चाहते हो उससे ऊंचा, तो वो कैसे होएगा। अब इन्होंने अलग अलग अपेक्षा से गुरु पने का निषेध किया। सबसे पहले तो कुलादी अपेक्षा, कुलादी अपेक्षा उन्हें अन्य मत के अंदर होते हैं ना, वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, कुल द्वारा माने हमारा कुल है हम गुरु हैं बस। उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है, हम ब्राह्मण कुल में हुए ना, हम तो बस गुरु है सबके, हम इस कुल में हैं, हमारे पूर्वज जो है वो गुरु होते आए हैं तो हम भी गुरु हैं बस, हम कुछ भी करें सारे राइट है हम करने, हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु है। मैंने वो उस कुल में उत्पन्न होने से अपने को क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। कुल महान काय से कहलाता है, धर्म साधन नहीं करे, ब्राह्मण हो और मद्य मांस मधु का सेवन करे तो निम्न कुल ही हुआ, वो पूज्य कैसे हो जाएगा। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने, यदि कुल में उत्पन्न होने से उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्ची मानो, सो बनता नहीं, कुल बोल से कोई लेना देना नहीं, इनके बड़े के बड़े के बड़े के बड़े ने ये काम करवाया था, ये इन्होंने क्या कराया बताओ। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके पिताजी इतने धर्मात्मा, और उस व्यक्ति ने मतलब हिंदुस्तान के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, लोग पीछे पर भाग रहे हैं उसके बेचारे, बेचारे लोग भाग रहे हैं। क्या जैन कुली, उसके पिताजी महाधर्मात्मा असली रियल, मैंने पिताजी इतने धर्मात्मा कि वो अन्याय नीति का एक पैसा नहीं लेवे, और बेटा इतना कि सबके पैसे खा के बेटा वाह, तो उससे क्या संबंध, रावण नरक गया उनके बेटे मोक्ष चले गए, किसी उल्टा भी हो सकता है, रावण के पिताजी जो है वो मोक्ष चले गए, उनके पूर्वज मोक्ष गए और रावण नरक गया, तो कुल से क्या लेना देना है, कुल से धर्म का क्या संबंध है, आचरण से संबंध है, सो ये बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे, अगर वो कह रहे कि तुम ब्राह्मण कुल से उच्च पना मानते हो तो तुम्हारे भारत ग्रंथ नहीं, भारत ग्रंथ कौन सा है, महाभारत, भारत माने महाभारत, इनके ये इन्हीं के हवाला दे रहे। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण के नाम ऐसा कहा, मैंने वहां भी उन्होंने ब्राह्मण के दो भेद कर दिए, एक ब्राह्मण चांडाल ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण को चांडाल कह दिया कि नहीं कह दिया, इसका मतलब ये है कि वो जो कार्य करेगा उससे उसका पद होएगा, वो ब्राह्मण परे से कुछ नहीं होगा, यदि चांडाल जैसा काम करे तो चांडाल ही, ऐसा कहा। यदि कुली से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा क्यों दी उस ब्राह्मण को, फिर चांडाल संज्ञा दे ही नहीं जा सकती। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं कि वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए, उनके इसमें सब कहानी, मछली थी, मछली ने एक बार मुंह खोला, उसके मुंह में जो है किसी पुरुष का वीर गिर गया,
तो उसके आदमी पैदा हो गया। उनके इसमें ऐसा की कथाएं हैं उटपटांग सी, वो कुंती निकली बाहर तो सूरज की किरणें लगी तो पुत्र हो गया उसको। वेद व्यास थे वो विदुर थे, तो विदुर यूं बैठे थे, सामने की स्त्री बैठी थी, तो विदुर की आंखों से जो किरणें गई तो सामने वाली स्त्री के पुत्र हो गया। अब ऐसे पुत्र पुत्री होने लग जाए तो लोगों को रोज मतलब घर से बाहर निकलने में तकलीफ हो जाएगी। उनके कहानी ऐसी उटपटा, सूर्य से कोई पुत्र होता है, सब महिलाओं का बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा भैया, और देखने से किसी ने देख लिया ओ क्या होगा। ऐसे मेल से ही मानते हो, माने पार्वती नारी थी मेल हुआ उससे पुत्र उत्पन्न, तो वो तो एक तो कपोल कल्पित कहानियां है सब। लेकिन जो उन्हीं की कहानियों का आधार लेके कहते हैं कि चलो तुम्हारी जो कहानियां है जो भी, तो उसमें कुल का ना, उसका कुल तो मछली का कुल हुआ, कुल तो मछली का हुआ ना, वो आदमी का कुल का रहा, तो कुल से फिर उच्चपना का रहा, ये कह रहे हैं उसका। वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुई, तुम्हारी तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे यहाँ तो लिखा ही नहीं ऐसी बातें। हमारे यहाँ तो ज्वार से ज्वार ज्वार ही होगा, और बाजरा से बाजरा, और मक्के से मक्का, और आदमी से आदमी, कोई आदमी किसी से ही थोड़ी हो जाएगा क्या। तो ऐसी उत्पटांग बातें अन्य मत में संभव है। वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, और इन लोगों ने देखी है सब, सब सीरियल देखे लोगों ने, आप गड़ा गड़ा के हाँ, ऐसे मिथ्या शास्त्रों के सीरियल देखे, और वो भी धर्म मान के। हमारी दादी अम्मा थी, जब रामायण आती थी ना उस समय हम एक लाइन बोल दे तो ऐसी नाराज होती थी, हमारे पिताजी से शिकायत हो जाती थी ये सब धर्म नहीं करने दे रहे या ये नहीं करने दे। फिर एक बार हमारे क्लास में पढ़ाया पाठशाला के अंदर कि रामायण और महाभारत जो है वो मिथ्या शास्त्र है, हमने आके बोला तो जो पिटाई हुई मेरे अगली बार से घर में तो नहीं बोलना है उससे। मतलब मानती थी रामायण आ रही बिल्कुल एकदम रामचंद्र जी आ रहे साक्षात भगवान आ गए क्या करो। और जबकि इसमें अपने गोमरसा जीव कांड में वो उस रामायण और महाभारत को मिथ्या ज्ञान के उदाहरण के रूप में कहा है, कुशुद्ध ज्ञान के उदाहरण के रूप में, कि मिथ्या ज्ञान के मिथ्या शास्त्र के उदाहरण क्या है, तो दो नाम दिए रामायण और महाभारत, क्योंकि उन दोनों में उत्पटांग बात है। रामायण में भी कम नहीं बंदरों की खोज, बंदर थे क्या अपने पिताजी को कोई कह रहे हैं अभी तुम्हारे पिताजी बंदर थे तो ये तो कुल उनके कुल का नाम था वानर क्या, बाकी कोई बंदर अंदर नहीं थे। और उनको जो मतलब ऐसे महापुरुष जो मोक्ष गए राम हनु सुग्रीव सुडील, उनको जो बंदर कहे तो अपने भगवानों को बंदर कहे ऐसा अपन कैसे सहन कर सकते हैं। ऐसे वो इंद्रजीत कुंभकर्ण वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, वो राक्षस तो थे नहीं, और उनको जो राक्षस कहे तो अपन ऐसा स्वीकार कर सकते हैं, और कुल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कुल के नाम में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, अभी अपना नाम समझ लो छावड़ा है, और बदलते बदलते अपने बछड़ा और लोग कहने लगे तेरे बछड़ा पड़ा तो नहीं आते। तो भाई आदमी आदमी रहेगा कुल से क्या हो जाएगा। कुल का कुछ भी नाम लोगों के नाम होते टोपी वाले क्या अभी वो मोला मोला साहब, तो कुल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, पालकी वाला टोपी वाला वो वाला वो वाला। अब उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कोई टोपी वाला होगा, उसे घर जाके टोपी की दुकान गए थे मेरा मेरा कुल का नाम है मतलब उसका, बाकी मेरा ये काम कब से छू गया तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल सरने में बहुत सारे सरने में ऐसे पालड़ी और वालड़ी और पापड़िया पापड़िया, तो लोग उससे अनुमान लगाते ये पापड़िया है तो पहले पापड़ बेचते होंगे, नहीं कुछ नहीं है ये सब। गांव से भी कभी कभी नाम पढ़ते हैं, तो ये सब केवल उनके कुलों के नाम थे। वस्तु स्थिति ये कि ये कोई न रावण आदि कोई राक्षस थे और न हनुमान आदि कोई बंदर थे, इसलिए इनको मिथ्या शास्त्र कहा है, क्योंकि उनमें उनका स्वरूप राक्षस और बंदर रूप दिखाया। और ये मोक्ष है, हम इनका निर्वाण कांड में रोज पाठ करते हैं, जिनका पाठ कर रहे हैं इतना हम भगवान कह रहे हैं
दूसरे चरण तीर पे उनको बंदर रूप में देख रहे हैं, तो क्या बंदर भी मोक्ष जाता है क्या? नहीं। राक्षस मोक्ष जाते हैं क्या? और कुंभकर्ण जो मोक्ष गए उनके बारे में ये है कि वो 6 महीने तक सोता था, जब भूख लगती है तो जो सामने होता था उसको खा जाता था, तो आदमी भी दिखे तो उसको खा जाता। तो मांस मच्छी कहाँ है? ऐसी ऐसी विपरीत बातें हैं, मतलब सब कुधर्म में आएगा ऐसा कुशास्त्र में। अभी आजकल अपने क्या होता है, टीवी आते हैं, टीवी के ऊपर बहुत सारे अन्य मतावलंबियों के सीरियल चलते रहते हैं और लोगों ने अपना टाइम पास करने के लिए सीरियल देखते रहते हैं, विष्णु जी का न, ब्रह्मा जी का न, शंकर जी का न उसका। मैं कहता हूँ कि ये शराब पीने से भी बड़ा पाप है, मांस खाना, शराब पीना सात व्यसन से बड़ा दोष इसके अंदर है। इसमें लिखा है बड़ा सप्त व्यसन से बड़ा पाप है ये, क्योंकि उससे घोर मिथ्यात्व का पोषण होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कोई हाँ कोई हिमालय पर्वत पे कोई शंकर जी बैठे हों, उनके पास पार्वती बैठी हुई और विष्णु जी की कोई पैर दबानी होगी। तो अब ऐसा कोई वास्तव में तो कोई है नहीं, लेकिन उनके मन में इस भावनाएं बैठती है। तो कह रहे हैं वेद व्यास आदि तो मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं, तो वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, वहां कौन सा कुल मानो फिर? तथा मूल उत्पत्ति तो तुम ब्रह्मा से कहते हो कि सब ब्रह्मा की संतान है, तो फिर अलग अलग कुल कैसे हुए? सबका एक ही तो कुल हुआ, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष है, और नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष है, संगम होने से संतति होती देखी जाती, वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? कौन सा कुल मानेंगे मन बताओ? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो ऊंच नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? फिर तुम खुद ही तो कहते हो ये उच्च कुलीन है, नीच कुलीन है, उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो तुम भी मानते हो, तो फिर वो काहे के लिए मानते हो? यदि कुल का कोई लेना देना नहीं तो कहते हैं सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, वो लौकिक कार्य है सारे, उच्च कुल नीच कुल का जो प्रवर्तन है वो सब लौकिक है। अध्यात्म की विवक्षा से देखा जाए तो सब जीवात्मा समान है, कौन ऊंच और कौन नीच ये तो लौकिक प्रवृत्ति की अपेक्षा से। धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, धर्म कार्य में तो कोई उच्च कुल भी का भी हो, मतलब लौकिक में ऐसा माना जाता है कि जिसके घर के आचरण अच्छा हो तो उच्च कुल ही, नीच कुल के आचरण खोटे आचरण हो नीच कुल ही, ये लौकिक है। लेकिन वहां भी यदि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ तो काम खोटा करता हो तो हम क्या कहेंगे उसको? नीच कुल ही है, नीच कुल ही जैसा काम कर रहा है, वो नीच कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन काम अच्छा कर रहा है, उच्च कुल ही। तो लौकिक में तो कुल देखा जाता है, लेकिन यह धर्म पद्धति में तो उस व्यक्ति का क्या आचरण है उससे? तो धर्म कार्यों में तो असत्यता संभव नहीं है, माने वहां तो जो आचरण करेगा वही संभव है, कुल चाहे उसको उच्च भी माना कहा जाए लेकिन उच्च कुल होने से वो उच्च नहीं हो जाता, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है, धर्म साधन ही से महंतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है, महंतता है सो भी कैसे है? धर्म प्रवृत्ति से। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसा आदि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार है? धर्म पद्धति छोड़ दी और हिंसा आदि पाप करे तो महंतपना कैसे रहेगा? तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए, हमारे बड़े माने हमारे कुल में जो बड़े थे, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, वो भक्त हुए हैं, भक्त माने बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं, यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य ना करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो? देखो क्या कहा उन्होंने कि वो जो बड़े के बड़े जिनको उत्तम मान रहे हो उनके बड़े के बड़े क्या थे? वो तो नहीं थे ना, तो फिर वो नहीं थे तो तुमको उत्तम कैसे माने? अच्छा दूसरी बात, उन्होंने साहब बहुत बड़ा काम किया उससे वो उत्तम है, तो उन्होंने बड़ा काम किया उससे उत्तम हुए तो तुम भी यदि बड़ा काम करोगे तो तुम उत्तम कहलाओगे। तुम एक आदमी ने तुम्हारे कुल में अच्छा काम किया उससे तुम उत्तम कैसे हो? तुम्हारे कुल में तो और भी अनेक लोग हुए ना, उन्होंने उत्तम काम नहीं किया। फिर शास्त्र में तो शास्त्र में पर लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है और पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है
पुत्र सुख कार्य करके उस पद को प्राप्त करता है, इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने बात कही। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जानना, एक तो एक पॉइंट तो उन्होंने खलास कर दिया कि कुल अपेक्षा से जो गुरु मानते हैं वो सही नहीं है, धर्म पद्धति में तो धर्म साधन से गुरु माना जा सकता। अब कुल के बाद में दूसरा, कितने पट्ट द्वारा गुरु मानते, गुरुपना मानते, पट्ट माने पटवी पदविया पट्टाचार, ये पट जैसे इनमें होती है ना एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ थर्ड, शंकराचार्य की पट पट चलती है, तो ऐसे अपने आप की पट माने गादी, तो उस गादी पे जो भी बैठेगा माने वो गुरु, वो चाहे कुछ भी करे, माने वो पूजा किसकी है उस गादी की, माने इस गादी पे जो आसीन होगा वो उस गादी से वो पूजा जाएगा। तो पोप होता है पोप जॉन पॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो भी वो पोप हो जाए माने नंबर वन, वो चाहे कुछ भी करे वो उसके पद से उसको पूजा जाता है, चुनाव होते हैं उसके कायदा, वो चुनाव के अंदर जीत जाता है बस। देखो तो उस पट अभी उसका निषेध करेंगे पट से, या कोई मतलब कोई बड़ेगा नाम है समझ लो, कोई उसमें कोई प्रसिद्ध हुआ हो, किसी एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया उसकी परिपाटी में दूसरे आए, तो कहते वो उसकी परिपाटी से हम दूसरे का अनुमान नहीं लगा सकते कि सर ये इस पट का है, इस परंपरा का है, इस संघ का है, इन गुरु का है, इसलिए ये भी वैसे उत्तम होगा, वो कहते हैं इससे कोई संबंध नहीं, ये इस व्यक्ति को देखा जाएगा कि ये कैसा है। कितने पट द्वारा गुरुपना मानते हैं, पूर्व काल में कोई महान पुरुष हुआ हो उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हो उनमें उस महापुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं, वो तो महान था और उसकी गद्दी स्थापित हुई उसके नाम से क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया, तो अब उस गद्दी पे दूसरा आदमी जो आया भले उसमें वैसे गुण न भी हो तो भी वो उसको वैसे गुरु मानते, गादी रखी रहती बल्कि यदि ऐसा हो तो उस गादी में कोई परिस्त्री गमन आदि महापाप कार्य करेगा वो भी धर्मात्मा हो, गादी मिल गई अब कुछ भी करो, पंडित जी जब जिस जमाने में हुए उस जमाने में भट्टारकों की पद्धति थी और भट्टारक थे तो वो सब कार्य करने लग गए, परिस्त्री सेवन आदि जो उन्होंने लिखा ना ये उनके जमाने में उस समय चालू हो गया, उसको देख कर उन्होंने लिखा है, क्योंकि मठाधीश होते ना मठ मठ के अधीश हो गए तो सारी संपत्ति अपने अधीन, गांव के गांव अधीन माने वो गांव के राजा जैसे उनके, और अब वो कुछ भी काम करे तो वो कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो कह रहे हैं कि यदि वो ये भी सब काम करेगा परिश्रम सेवन आदि महापाप कार्य करेगा तो वो भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा, परंतु ये संभव है, ये संभव नहीं है, और वह पापी है तो फिर गादी का अधिकार कहाँ रहा, यदि वो पापी कह रहे हो तुम उसको तो गादी से कोई लेना देना नहीं रहा, यानी गादी पे भले ही कितनी बड़ी गादी पे बैठा हो लेकिन यदि वो पाप कार्य करेगा और वो पापी है तो उस गादी से कोई संबंध माने गादी का अधिकार होने से वो बड़ा नहीं रहा। जो पुरुष योग्य कार्य करे वही गुरु है, उसकी योग्यता से उसके गुरु बने निश्चित होगा। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी संतति अपने को गुरु मानती है। क्या ए, यहां थे तो वो जो थे वो परदेश गए भ्रष्ट हो गए, स्त्री से विवाह किया और फिर भी जितने उनके प्रतिष्ठित उनके पुत्र आदि है वो पुत्र आदि ऐसा व्यवहार कराते हैं कि जैसे कोई हम स्वयं गुरु है। सब है बहुत सारी चीजें क्या तो ये ऐसे है, उनकी संतति अपने गुरु मानती है परंतु भ्रष्ट होने के बाद में गुरुपना किस प्रकार रहा, अन्य गृहस्थों के समान ये भी हुआ परंतु इतना विशेष हुआ कि भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इन्हें मूल गृहस्थ धर्म ही गुरु कैसे माने। तथा आगे देखो देखो अगला, तथा कितने अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते,
और इसी अंग द्वारा गुरु बना मानते हैं, एक अंग का पालन किया बस बाकी सब काम करते हैं, धन रखते हैं, परिग्रह रखते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इनका सब काम करते हैं। एक नहीं किया तो क्या नहीं किया, इससे से विवाद नहीं किया, वो भी नहीं किया कि नहीं हुआ वो ही धन। और इसी अंग द्वारा गुरु बना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है, चार वो भी है कि नहीं है, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने, मतलब वो तो अपने समान हुआ, उसे गुरु उससे बड़ा किस प्रकार से माने, क्योंकि बाकी सब पाप तो उसके हैं। तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह का त्यागी नहीं हुआ है कि धर्म बुद्धि से उसने विवाह छोड़ा, धर्म बुद्धि से स्थिति छोड़ी, परंतु किसी आजीविका के प्रयोजन से वह लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ाता, परिग्रह क्यों बढ़ाता। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता तब परस्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है, ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना वो महाभ्रष्ट होती है। ठीक है, अपना समय हो गया, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, तो अगला वाला आ जाएगा।